करते हैं। बड़वानी सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा 30 वर्षीय कैदी अफजल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। परिजन वहां से शव लेकर सीधा खरगोन कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और शव को ऑफिस के सामने रख कर कार्यवाही की मांग की, जहां SDM अभिषेक गहलोत ने परिजनों को समझाइश देते हुए उचित कार्रवाई करने की बात कही। खरगोन से अजय तिवारी के साथ राहुल पंड्या की रिपोर्ट। हमारा बच्चे को घर से पुलिस पकड़ के ले गई थी, उसको जाके जेल में मार क्यों दिया गया? उसको तो मारा गया सीधा, उसको कोई बीमारी नहीं थी, इलाज नहीं थी, तो उसके जब बीमार बता रहे थे इलाज कराना, हमारे पास खबर भेजना था उन्होंने कि तुम्हारा लड़का बीमार है तो तुम खबर पैसे लेके आओ, इलाज कराओ। मरने के बाद में आपको क्यों बुलाया उन्होंने? क्या रोने के वास्ते बुलाया क्या वहाँ हमको? मेरा बच्चों का दुख देखने से बुलाया क्या वहाँ हमको? क्या हमारा तमाशा बनाने वाले थे तुम? हमारे दुश्मनों को हंसाने वाले थे तुम? है यही पुलिस ने यहाँ भी चाल चली हमारे साथ में, वही पुलिस वहाँ भी चाल चल रही है। वही पुलिस रात को 2:30 बजे रात को मेरे को कहने आ रहा है सिर्फ बैठे कि तेरा लड़का बीमार है, मिलाना तुझे। तो कह रहे भाई तेरे पास का 2:30 बजे रात को फोन आया, एकदम से बीमार होगा तूने फोन भी कर देगा? तेरे पास तो 2-3 घंटे पहले फोन आया होगा या दिन भर पहले आया होगा या नहीं, तुझे खबर करना था नहीं, क्यों नहीं आया हो? उसको मालूम था कि अगर आता है तो अपने इल्जाम आ जाएगा। ये गोगांव से काम हुआ है और गोगांव से लगाई करके तुझे जान से मरवाया गया, दूसरा कुछ नहीं होगा। पैसा मार के ये करवाने वाले कौन है? ये इनके लोग जिन जीवन सजा करवाई है पुलिस वाले। हम ये चाहते हैं मुलजिम को निकालो, इसकी CBI जांच करो और उसको बेगाग बरी करो, फिर कपना उसको। देखिए ये निवासी जो बड़वानी जेल में अभी बंदी था और उसकी वहाँ पर मौत हुई है, तो उसके संबंध में इनकी ये बात है। अब इसके संबंध में चूँकि जेल में डेथ हुई है तो उसकी जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है उनके माध्यम से इंक्वायरी होगी, अगर इसमें कोई तथ्य ऐसे सामने आते हैं तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम होने के बगैर सूचना की करा दी है। नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं उस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हिस्सा होगी और इन सभी तथ्यों के ऊपर जाँच होने के बाद आवश्यक कार्रवाई जरूर होगी।